आपके सपने यहाँ जमीन दोज हो रहे हैं, सुराख हो गई है आपकी योजना में, आपकी नई जल योजना में छेद हो चुका है, और इतना बड़ा छेद हो चुका है जो भरेगा नहीं। पंचायत से लेकर प्रखंड में और जिला तक एक पाइपलाइन चलता है, अदृश्य पाइपलाइन। उस पाइपलाइन से क्या बहता है ईडी के छापे में पता चल जाता है। जमीन पर पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है, जिस तरह सरकार का सिस्टम जमीन पर पड़ा हुआ है। पानी घर तक नहीं पहुंच रहा है, इस कौन जिम्मेवार है? वार्ड सदस्य जिम्मेवार है कि प्रखंड जिम्मेवार है? यही सब जिम्मेवार है। मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार कह रही है कि आपको गांव के विकास के लिए जो राशि मिलती थी उसको 5 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी कि बिहार के गांवों में जितना पहले राशि आती थी इन ग्रामीणों के लिए, उससे 5 गुना ज्यादा पैसे आ रहे हैं। उस पैसे का क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जी, आपका महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, नल जल योजना से आपका नाम ऊंचा हो रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ औरंगाबाद के गोह प्रखंड के मलहद गांव में वार्ड नंबर 5 है, आपके सपने यहाँ जमीन दोज हो रहे हैं, सुराख हो गई है आपकी योजना में, आपकी नल जल योजना में छेद हो चुका है, और इतना बड़ा छेद हो चुका है जो भरेगा नहीं। और कहते हैं जांच के नाम पर बिहार में साप्ताहिक जांच हो रही है। बिहार में अधिकारियों को कहा गया है कि सप्ताह में 2 दिन आप सिर्फ कुर्सी नहीं तोड़िए, 7 दिन सप्ताह में 2 दिन गांवों में आइए और गांव में देखिए, ग्रामीणों की समस्याओं को देखिए, इनके चेहरे पर मुस्कान लाइए। लेकिन आपके अफसर क्या कर रहे हैं? जो आपका साप्ताहिक जांच है मजाक बना हुआ है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पाइपलाइन तो कुछ होगा। आपका पंचायत से लेकर प्रखंड में और जिला तक एक पाइपलाइन चलता है, अदृश्य पाइपलाइन। उस पाइपलाइन से क्या बहता है ईडी के छापे में पता चल जाता है, लेकिन आपका नल जल योजना का पाइपलाइन है हवा में लटक रहा है। आप देख सकते हैं नल जल योजना का टावर बना हुआ है और टावर में अभी तक पाइप नहीं जुटा हुआ है, और इसका जो टंकी है वह टंकी जमींदोज हो चुका है। और गांवों से कहा जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि गांव के हर घर को नल का शुद्ध जल मिल रहा है। हम सवाल पूछेंगे, हम ग्रामीणों से इनकी समस्याओं को रखेंगे, आखिर इनके हिस्से का पैसा, इनके हिस्से की राशि कहाँ गई? तो हम आइए, हम आपको दिखाते हैं, पूरी हकीकत दिखाते हैं। यह देखिए नल जल का टावर है, इस टावर पर एक नोटिस चिपका हुआ है, इस नोटिस को जरा दिखाइएगा। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालिक अनुरक्षण व तथा योजना के रख रखाव हेतु अग्रेतर अनुदेशक, इसमें पूरा डाटा दिया गया है कि अनुरक्षण व्यवस्था कैसे होगी, समय में 2 पालियों में मोटर पंप चालू करना है, बंद करना है, लॉक बॉक में प्रतिदिन मोटर पंप चालू बंद करने की समय की प्रविष्टि करनी है, 2 महिला लाभकों का हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर भी चाहिए। उतना ही नहीं, कहा गया है कि गांव के लोगों से इसके मेंटेनेंस के लिए राशि भी इकट्ठा करना है। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए नल जल योजना का ये जो बना हुआ है, मोटर चालू है, जमीन पर पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है, जिस तरह सरकार का सिस्टम जमीन पर पड़ा हुआ है, यहाँ भी जमीन पर पड़ा हुआ है पूरा सिस्टम। एक स्टार्टर जला हुआ है, ये जले हुए स्टार्टर बता रहा है, और इस देखिए मिट्टी का जो फर्श विहीन जो यह टावर बना हुआ है, और इस टावर के बाद कहा जा रहा है कि यहाँ से शुद्ध पानी गाँव वालों को मिलता है। हम कैमरा में से कहेंगे कि आइए थोड़ा हम लोगों से बात कर ले कि आखिर इस नल जल योजना का कितना लाभ मिल रहा है, जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, पूरे देश में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि बिहार पूरे देश का ऐसा राज्य, पहला राज्य है जहां 90% से ज़्यादा घरों में नल का जल पहुंचाया जा चुका है। तो हम बात पहले उनसे करेंगे जिनके ऊपर इस नल जल योजना को चलाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। एक ग्रामीणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और एक अनुरक्षक जो वार्ड सभा में चुने गए हैं।
तो हम आपका नाम क्या है? पंकज कुमार। आप क्या हैं यहाँ? वार्ड सदस्य 5 हैं हम। वार्ड सदस्य 5 हैं जी। तो ये नल जल योजना का हैंड ओवर आपको मिल गया है? हैंड ओवर ऐसी खाली, वो पूर्व सदस्य जो थे खाली चाबी धरा दिए थे। अच्छा। कि लो चालू करना। अच्छा। तो हमको चाबी दे दिए, चाबी जब लिए 2 दिन के बाद स्टार्टर जल गया, तो विभाग बोले कि अपने तरफ से लगा दीजिए। तो हम अपने तरफ से स्टार्टर देखिए लगा दिए हैं, उसका पैसा भी हमको अभी निकासी नहीं हुआ है। तो नल जल योजना का जो टंकी जो आपका है वो जमीन पर पड़ा हुआ है, तो ये पानी कहाँ जा रहा है? ये पूर्व वार्ड सदस्य का ये देन है कि आज टंकी गिरा हुआ, इसी खाली लगा के छोड़ दिए थे, जिसके पाइप तक कोई से साथ नहीं था, इसी रखा हुआ था, जिसमें आंधी आया जिसे उड़ा के फूट फट गया। तो पूर्व वार्ड सदस्य का ये देन है, कहने का मतलब पूर्व वार्ड सदस्य वहाँ टंकी फेंकवा दिए, यदि कर दिए तो आप चाहिएगा तो इस लोहा को बेच सकते हैं। हम जो मिला है हमको खाली देख देख रखा में मिला यही। अगर आप लोहा को बेच दीजिएगा तो आप पर कौन कार्रवाई करेगा? यहाँ के ग्रामीण जनता, बीडीओ मुखिया और के तो बीडीओ मुखिया कार्रवाई करेगा। जब ये पानी का जो टंकी है वहाँ पड़ा हुआ है तो किसको कार्रवाई करना चाहिए था? कोई ध्यान नहीं है इस पे, कोई ध्यान नहीं है इस पर, कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। तो सचिव महोदय आपका साथ देते हैं? हाथ देते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन बिहारी शर्मा। विपिन बिहारी शर्मा जी, आप सचिव हैं, वार्ड क्रियान सह प्रबंधन समिति के आप सचिव हैं। तो सचिव महोदय, आप नल जल का कैसे व्यवस्था करते हैं? नल जल का बहुत मेहनत करना पड़ता है, लाइन कट जाता है तो परेशानी होता है, बात सुनना पड़ता है जनता का, और क्या होता है। कितने घरों में पानी पहुंचा दे रहे हैं? 300 घर में। 300 घरों में पानी पहुंचा दे रहे हैं। पाइपलाइन दुरुस्त है? 50 घर छूट भी जाता है। 50 घर छूट, पाइपलाइन दुरुस्त है? पाइपलाइन भी जहाँ तक उस पर डाला है जमीन पर, वो भी कुछ लेकिन ठीक है मिला जुला के। अच्छा, हाँ वो ठीक है। इंजीनियर जाँच करते हैं कि पाइपलाइन सही है कि नहीं है? वो तो कहता कि सब ठीक है, चलाओ ऐसे ही, ऐसे ही चलाओ। तो हम तो बात करेंगे आपको, आप चलाते हैं, कितना टाइम चलाते हैं? हम तो 3:30 बजे भोर से करीब 6-10 बजे तक चला देते हैं, 9 बजे तक रात तक एकदम। चलाना तो नहीं है 3:30 बजे भोर से? चलाना लाइन कट जाता है, कभी होता ही चलते चला देते हैं। टंकी रहता तो टाइम से देते ना? हाँ, चलते चला जाता है। तो देखिए, टंकी नहीं रहने के कारण लेकिन पानी का है जरूरत है, तो इसके लिए आपको लगातार चलाना पड़ता है मोटर। आप कोई समस्या है? हाँ, तो कोई समस्या नहीं है। कोई अधिकारी आते हैं जांच करने? आते हैं, चल जाते हैं, आपका हमसे बातों करने आते हैं बढ़िया से। उनको तो जांच करना है तो हम बात करते हैं, ग्रामीण लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर कामेश्वर महतो नाम है। पानी आपको मिलता है? पानी सब ना मिलता है। वार्ड साहब कह रहे थे कि पानी हम हमेशा देते हैं। नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, चलबे नहीं करता है, तो क्या करिए, सक्सेस होने वाला नहीं है। एक नल योजना हमारे 5 नंबर वार्ड इतना बड़ा है जी, कि जो एक नल जल से सक्सेस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा जी। हालांकि हम लोग का 25 घर तो अभी वर्तमान में पानी कहीं मिलता ही नहीं है। 25 घर में कभी नहीं, कभी नहीं मिलता है। देख लिया जाए, जांच करके देख लिया जाए। मतलब एक नल जल से नहीं होगा, क्या आपको लगता है? देखिए ये आ रहे हैं, 5 नंबर वार्ड में आपका घर है। हाँ, नल जल योजना का पानी मिलता है, घर तक जाता है आपको? नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, बिल्कुल नहीं पहुंचता है। क्या नाम है आपका? उदय। उदय महतो जी। उदय महतो जी, पानी नहीं पहुँचता है, तो पानी का आप लोग प्रयोग कहाँ से करते हैं? पानी पीने का, पानी पानी पीने का कभी ये टंकी नल बैठा है उसे ले जाते हैं पानी ढोके। कितना दूर है घर से जाना पड़ता है? पड़ जाता है यहाँ से कम वो मकान से चलना दूर, मैंने 500 मीटर। तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम हर घर के, बिहार के 90% जनता के घर में शुद्ध पानी नल से पहुँचा रहे हैं। इस पर पहुँच रहा है, पहुँच रहा है, हम तो दूसरा जगह से पानी ला के पी रहे हैं, कहाँ पहुँच रहा है? अब कह रहे हैं कि आप पढ़ते हैं क्या? इसी गांव में रहते हैं? इसी गांव में रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं। क्या स्थिति है नल जल योजना का? पढ़े लिखे लग रहा है कि इंसान है आप, युवा हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हर घर तक पानी पहुँचा। हम इस वार्ड में नहीं है। अच्छा, कि दूसरे वार्ड में है? कितने वार्ड, कौन वार्ड में है? 2 नंबर। आपके घर में पानी पहुँच रहा है? चलिए, 2 नंबर में पहुँच रहा है, 5 नंबर के कौन कौन है से बताइएगा। देखिए कुछ महिलाएं हैं यहाँ से, हम बात कर लेते हैं। आपका यहीं पर घर है? यही वार्ड में? हाँ। आपके घर में पानी पहुँच रहा है? ना, पानी नहीं पहुँचता है। पानी नहीं पहुँचता? ना। तो कैसे आप पानी का उपयोग करते हैं? घर कल नल का है, वो भी से पानी पीते अच्छा, हैं। अच्छा, तो आपके घर में पानी पहुँचता है? पानी पहुँचता है। हाँ। तो अच्छा, ये पानी नहीं पहुँच रहा है, बहुत नंबर वार्ड के है? 1 नंबर वार्ड के है। तो कह रहे 1 नंबर नजदीक है क्या इस वार्ड से?
अच्छा वही नजदीक है तो पानी घर तक नहीं पहुंच रहा है, इस कौन जिम्मेवार है? वार्ड सदस्य जिम्मेवार है कि प्रखंड जिम्मेवार है? यह सब यही सब जिम्मेवार है। बहुत समस्या है इसके अंदर, जैसे डाउन चलता है पानी। अच्छा, इसमें दिक्कत होता है चलने में, तो देख लेता है तभी ना, जो जगह देखने के बाद ही अनुभव होगा कि कैसे होता है। ऊंचा नीचा है, कहीं इनका कहने का मतलब है कि ऊंचा नीचा जो है जमीन है, इसके चलते पानी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जो इंजीनियर है, इंजीनियर साहब क्या देखे थे, कैसे पाइपलाइन का नक्शा बनाए थे, वो तो इंजीनियर साहब बताएंगे, लेकिन मामा बताएंगे कि पानी मिला हुआ कि ना मिला हुआ। एक नंबर में आप भी एक नंबर के हैं, एक नंबर पानी मिलता है आपको? मिलता है पानी? चलिए, पानी एक नंबर में मिल रहा है, दो नंबर में मिल रहा है, लेकिन सारा कसूर जो है पांच नंबर के निवासियों को है, इनको पानी नहीं मिल पाता है। और वही स्थिति नहीं है, आप आ रहे थे इधर से, तो जो एक नंबर से पांच नंबर में आने वाला जो रास्ता है, रास्ता तो बना हुआ है इसको ईट सोलिंग, लेकिन उसके ऊपर नाली बह रहा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि नाली कैसे बह रहा है, और इस पर हम ध्यान देंगे। और आपकी बात हम अधिकारियों से पूछेंगे, अगर इस गांव के मुखिया जी हैं तो उनको भी बुलाइए, उनसे भी हम थोड़ा बात कर ले। तो अभी आपने देखा औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड के मलहद पंचायत के वार्ड नंबर 5 की स्थिति। इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्टर के लिए रिपोर्टिंग के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके पास आ रहे हैं, आपकी गांव का हाल चाल लेंगे। मैं अभय कुमार, हमारे साथ कैमरे के पीछे सुनील बोबी, धन्यवाद।